Hello friends and welcome back to our cell tutor. This is me Imran Syed. HTML5 and CSS3 ke lecture number 75 ke andar aaj hum log read out karenge labels ke bare mein ke what is labels. Basically labels main pehle read out kara chuka hu, kafi lectures mein bata bhi chuka hu ke labels kis liye istemal hote hain. Ek to wo use hai jo main pehle bata chuka hu lectures mein ke hum kis tarah se labels ko istemal karte hain aur labels ka basic use kya hai. Basically labels ka thoda sa रिव्यू कर देता हूँ इसमें कि लेबल्स बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग कंट्रोलर टेक्स्ट. हमारे जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, इन सब को डिस्प्ले करने के लिए इनके यानी कि इनके जो टेक्स्ट होते हैं इनको डिस्प्ले कराने के लिए हमें लेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लेबल्स को आप आईडीज़ भी दे सकते हैं, क्लासेस असाइन कर सकते हैं और फिर उनको आप जो है अपने सीएसएस में भी यूज़ कर सकते हैं. तो उस हैंड पे भी लेबल्स को यूज़ करना जो है वो बहुत अच्छा है और प्रोफेशनल तरीका है. लेकिन आज मैं आपको मेन पर्पस बताऊंगा लेबल्स को इस्तेमाल करने का. कंट्रोलर के अंदर सबसे मेन पर्पस जो लेबल का इस्तेमाल करने का है वो आपके चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स के जो कंट्रोल्स हैं HTML के अंदर उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल कहलाता है लेबल्स को यूज़ करना. तो मैं चलता हूँ अब लेक्चर की तरफ और देखते हैं लेक्चर को इस्तेमाल करेंगे हम लोग. अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये पिछला लेक्चर है एक, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो कंट्रोलर हैं, एक रेडियो बटन है और दूसरा जो है वो चेक बॉक्स है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ब्राउज़र में लोड करके बताता हूँ आपको कि लेबल बेसिकली इसमें क्या है. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस को इजीली क्लिक कर सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट दिख रहा है. तो जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे ये जो टेक्स्ट होते हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिए हम लेबल्स को यूज़ कर सकते हैं. जो मेन यूज़ है यहाँ पर रेडियो बटन और चेक बॉक्स के अंदर वो ये है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर यूज़र जो है वो जब तक रेडियो बटन और चेक बॉक्स के कंट्रोलर पे क्लिक नहीं करता तो उसका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा होता. मतलब काम कर रहा होता है जब तक अगर वो क्लिक नहीं करेगा कंट्रोलर पे. कंट्रोलर पे क्लिक करेगा तो ही वो चेक होगा. ठीक है, कंट्रोलर से बाहर अगर क्लिक करता है तो ये चेक नहीं होता. तो अब यहाँ पर हम लेबल का मेन यूज़ करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारा जो ये फीमेल का टैग्स है हम इसको यूज़ करेंगे लेबल के टैग के अंदर. और जब हम इस फीमेल के टैग्स के ऊपर अपना कर्सर लेके आके क्लिक करें तो हमारा ये चेक बॉक्स जो है या रेडियो बटन का चेक जो है वो चेक मार्क हो जाए. उसके लिए हम क्या करेंगे, लेक्चर में चलता कोड में चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आईडी मैंने डाली है अपने पहले कंट्रोलर के लिए जो कि मेल का कंट्रोलर है. सबसे पहले इस मेल को मैं यहाँ से हटाऊँगा और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा लेबल में और लेबल के अंदर मैं डाल दूँगा मेल. ठीक है, मेल डालने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने कंट्रोलर को आपने एक आईडी असाइन करनी है जो कि मैंने यहाँ असाइन कर दी है. ठीक है, ये है मेल रेडियो. मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं फिर क्या करूँगा, ये जो लेबल है इसको मैं यहाँ पर टेक्स्ट सप्लाई करूँगा कि ये जो लेबल है ये किस कंट्रोलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है. कंट्रोलर इस वक्त मेल रेडियो है तो मैं यहाँ पर लेबल फॉर के अंदर लिखूँगा मेल रेडियो. ये लेबल अब इस्तेमाल होगा हमारे मेल रेडियो के लिए. ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अपने डिस्प्ले में फिर से जाऊँगा और यहाँ पर रीलोड करूँगा. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर फीमेल जो है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये जो है आपके पास चेक नहीं हो रहा. लेकिन मैंने मेल के ऊपर अपने लेबल कंट्रोलर लगा दिया है तो अब जब मैं मेल पे जाऊँगा और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कंट्रोलर चेक हो जाएगा. इसी तरीके से मैं फ़ीमेल को भी चेंज कर सकता हूँ कि मैं फ़ीमेल को यहाँ से लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल फॉर और सबसे पहले फीमेल फीमेल रेडियो. ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने कंट्रोलर में जाके आईडी दे दूँगा फीमेल रेडियो का. सेम होना चाहिए दोनों तरफ. ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रीलोड करूँगा और अब मेरे पास मेल भी चेक हो सकता है, फीमेल भी चेक हो सकता है.
यही सेम प्रोसेस आपने अपने चेक बॉक्सेस को भी सप्लाई करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलर कन्वर्ट हो जाए और क्लिकेबल हो, तो आपने अपने इस लेबल के जो टैग है इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको लेबल का यूज़ जो है वो बेसिक यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि लेबल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये लेक्चर मैं अब यहीं पर वाइंड अप करूँगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप कंट्रोलर्स विद फील्ड सेट्स क्या होते हैं। इस लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 76 में। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 76 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।